कोरबा जिला में दुर्गा पूजा आज से प्रारंभ। बांकी मोंगरा क्षेत्र में चल रही दुर्गा पूजा को लेकर जोरों से तैयारियां। कोरबा जिला सहित बांकी मोंगरा क्षेत्रों में इस बार दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम मनाया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह पंडाल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं बांकी मोंगरा के मंदिर में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। मंदिर समिति के युवाओं ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से यहां मनोरंजन मंदिर क्लब में दुर्गा मां की मूर्ति स्थापित करते आ रहे हैं, जिसमें कॉलोनियों के युवाओं द्वारा मिलकर एवं क्षेत्र के आसपास में चंदे इकट्ठे करके दुर्गा मां का मूर्ति स्थापित कर दुर्गा पूजा किया जाता है, जो इस साल भी किया जा रहा है। वहीं समिति के युवाओं ने बताया कि हर वर्ष मनोरंजन मंदिर क्लब में दुर्गा पूजा को लेकर SECL के द्वारा सहयोग किया जाता था, लेकिन इस बार SECL द्वारा किसी प्रकार की सहयोग नहीं किया गया। समिति के द्वारा SECL के अधिकारियों से बात करना चाहा, लेकिन SECL के द्वारा कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दे कि मनोरंजन मंदिर क्लब की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पूरे ग्राउंड में कीचड़ बना हुआ है, यहां तक कि क्लब की छत भी काफी जर्जर हो चुकी है, जो SECL द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समिति के लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस ओर अधिकारी किसी भी प्रकार की ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बताएंगे दुर्गा पूजा के लेकर किस प्रकार के आप लोगों के द्वारा तैयारी किया जा रहा है? हमारे द्वारा बहुत अच्छे ढंग से दुर्गा पूजा की तैयारी किया जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के पश्चात इस साल खुल के दुर्गा पूजा मनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ मनोरंजन मंदिर में SECL के द्वारा किसी प्रकार की सहयोग नहीं किया जा रहा, क्या कहना चाहते हैं? SECL के द्वारा आज से 20-22 साल पहले सहयोग दी जाती थी, लेकिन आज 20-22 साल पहले से आज हमारे सभी युवा साथी, बाकी कॉलोनी के सभी मिलकर, सभी धर्मों के सभी युवा साथियों जितने भी हैं, सभी मिलकर हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन आज 20-22 सालों से स्वयं अपने नियंत्रण में करते हैं। क्या इसके संबंध में आप SECL से बात करना चाहें? SECL प्रबंधन से इस विषय में बातचीत हुई है कि कम से कम दुर्गा पूजा में यहाँ पर कम से कम पोताई या साफ सफाई इस प्रकार से जो क्रियाकलाप है उसको करवा दिया जाए, लेकिन SECL प्रबंधन अभी तक सोया हुआ है। क्या कहना चाहिए कि मतलब किस प्रकार की शिकायत होना चाहिए? SECL प्रबंधन को तो खुद देखना चाहिए कि जहाँ जहाँ दुर्गा पंडाल बने हैं वहाँ कम से कम 9 दिन नवरात्रि में कम से कम साफ सफाई रहना चाहिए था, और जैसे अभी कीचड़ हो गया है, आम जनता को आने में परेशानी होगी, तो उसकी भी व्यवस्था बनाने के प्रयास किया जा रहे सभी युवा साथियों के द्वारा। मतलब जो कीचड़ है इसके संबंध में SECL द्वारा किसी प्रकार के ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कभी आज तक कभी 20-22 सालों से इस क्लब को भी ऐसी छोड़ दिया गया है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।